नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय खगड़िया में हूं और यहां देखिए लोजपा की नेत्री हैं इंदिरा देवी, बेगूसराय जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष, लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में पर्चा बांट रही हैं। क्या माहौल है मैडम? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। चिलचिलाती धूप में घूम रही हैं। देखिए, पार्टी माँ होती है और जो हम तमाम कार्यकर्ता हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, माँ की अस्मिता की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। जी, माहौल क्या है ये बताइए। माहौल बहुत सुंदर है, राजेश वर्मा जी के पक्ष में, मोदी जी के नाम पर और हमारे चिराग जी के नाम पर माहौल। जितना हम आदमी से हम मिले हैं, मतदाता से, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो लोग कहते हैं कि आप क्यों घूम रही हैं यहाँ, तो हम सब मोदी मैं हैं। अच्छा, तो लग रहा है इस बार मुकाबला जोरदार होगा। मुकाबला हमारे राजेश वर्मा हमारे छोटे भाई के समान हैं। मैं अभी से उनको शुभकामना देती हूँ। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शुभकामना देती हूँ, चिराग जी को भी, और आदरणीय हमारे सुशी प्रधानमंत्री हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ कि आप इस बार 400 पार आपका लोकसभा हो के रहेगा। खगड़िया में ये कहा जा रहा है, जोर शोर से चर्चा हो रही है, बाहरी बनाम लोकल। किसको बाहरी कहता है? हमारे राजेश भाई को बाहरी कहता है। वो खगड़िया लोकसभा भरसों गांव का पुत्र है। जैसे हम लोग अपने गांव से उठकर अपने शहर में जाते हैं, उसी तरह भरसों से उठकर भागलपुर बिजनेस के नाम से गए हैं। उनका घर भरसों है खगड़िया लोकसभा में, वो बाहरी नहीं है। अगर किन्हीं भाई बहनों को पता नहीं है कि वो बाहरी हैं, तो जान लें कि खगड़िया लोकसभा भरसों गांव का वह पुत्र है। मुद्दा तो बन रहा है ना बाहरी बनाम स्थानीय का। जिनको नहीं पता है तो विरोधी तो मुद्दा कुछ से कुछ हवा उठाएगा, लेकिन जो जेन्युइन आदमी हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को पता है कि खगड़िया लोकसभा के भरसों गांव से हैं। और जो मैं बोल रही हूँ उस माध्यम से सब लोग जान जाएंगे आपके माध्यम से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता हुआ और मैं टाउन लेवल फेडरेशन फुटपाथ दुकानदारों संघ का अध्यक्ष हूँ। और देखिए, हवा तो पहले से बनी थी, इस समय तो सिर्फ चल रहा है, हवा चल रही है। जब काउंटिंग 4 जून को निकलेगा तो आप देखेंगे राजेश वर्मा 1 लाख वोट से अधिक से जीत रहे हैं, 1 लाख से अधिक वोट से। आप यहीं के हैं? एकदम मैं यहीं। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी गर्मा रहा है। अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया है। हाँ, विपक्ष प्रचारित कर रहा है तो उसकी प्रचारित से कुछ नहीं होने वाला। अभी मैडम क्या बताई कि भरसों गांव का वो लड़का है, अब मान लीजिए प्रदेश कमाने के लिए चला जाए, और सबसे बड़ी बात उनको पता नहीं है लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव ये बाहरी और घर पर नहीं होता है। और हमें उस चीज़ से बचना है, हमें उस चीज़ से बचना है जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। हमें फिर से वो झंडा गड़वाना नहीं है अपने खेतों में, इस बात पर ध्यान दें। अगर जिसे ज़रूरत है कि अपने खेतों, अपने मकान, अपने आवास पर झंडा गड़वाना है, वो वोट देगा उनको, हमें नहीं चाहिए दूसरे की संपत्ति। एक बात बताइए, यहाँ की पूर्व मंत्री रही हैं रेणु कुशवाहा हैं और कई कुर्मी समाज के भी लोग, एकदम से राजेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, विपक्ष आखिर आपके स्वागत में फूल तो नहीं बिछाएगा, विपक्ष तो आपके स्वागत में कांटा ही बिछाएगा, कभी ऐसा सुने हैं? जातीय एक्यूशन जो है उसके हिसाब से क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है, क्रेज, नीचे का क्रेज और ऊपर का क्रेज।
राजेश जी का भी नीचे क्रेज बेहतर है, चिराग जी का भी नीचे क्रेज बेहतर था, रामविलास जी का भी बेहतर था, और मोदी जी तो बेहतर हैं ही। आज चुनाव का प्रचार जो है अंतिम दिन है, और जो तमाम दोनों प्रत्याशी जो हैं पूरी ताकत झोंक रखे हैं, उनके समर्थक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और इसी कड़ी में बेगूसराय से आई हैं इंदिरा देवी, जो बेगूसराय जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और लगातार घूम रही हैं। तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना यहाँ है खगड़िया में। हम और लोगों से बात करेंगे।